हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रीति और आज हम लिली बनाएंगे, वो भी एकदम इजी तरीके से। तो बिना देर किए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक परफेक्ट स्क्वायर शेप का पेपर ले लेंगे और उसके कोने को मिलाते हुए बीच से फोल्ड करेंगे। अब कॉर्नर को मिला अब बीच के कॉर्नर को मिलाते हुए पेपर को बीच में रख के फोल्ड करेंगे इस तरीके से। दूसरे साइड भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब नीचे के साइड भी सेम वैसा ही प्रोसेस करना है। कॉर्नर से मिलाते हुए पेपर को बीच में फोल्ड करेंगे। ऐसे ही फोल्ड हो गया। ऐसे ही हमें 6 पेपर के टुकड़ों को फोल्ड करना है। ऐसे ही 6 पेपर फोल्ड हो गया। अभी इसे क्या करना है, नीचे की तरफ ग्लू लगा के सिर्फ आधे पार्ट में ग्लू लगाना है और सारे पंखुड़ी को पेस्ट कर देना है। अब उसके ऊपर ग्लू लगा के दूसरी पंखुड़ी पेस्ट करेंगे। ऐसे ही सारी पंखुड़ी को चिपका लेंगे और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज आपको जल्दी मिल सके। ऐसे ही फोल्ड हो गया, ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके एक साइड पे फिर से ग्लू लगाना है, ऐसे आधे साइड पे। और इस पार्ट को ऊपर रख के ऐसे चिपका देंगे। ऐसे चिपक गए। अब इसे थोड़ा टाइम सूखने देंगे। अब एक दूसरा पेपर लेंगे। अब इसको किनारे से रब करके डंडी बनाना है हमें। अब किनारे पे ग्लू लगा के चिपका लेंगे इसे। और ऊपर का पार्ट कट करके बराबर कर लेंगे। और दूसरा पेपर लेंगे, इसका हमें पत्ती बनाना है। बीच से फोल्ड करेंगे, फिर अब ऐसे बीच से फोल्ड कर देंगे। अब इस पे पत्ती का शेप ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे हो गया और इसे कट कर लेंगे। ये इस तरह से पत्ती बनके रेडी हो गया। इसको कैची से प्रेस करके पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और एक दूसरा रेड पेपर लेंगे और एक पतला पट्टी लेंगे पीले कलर का। इसके ऊपर ग्लू लगा के पीले पट्टी को चिपका लेंगे। ऐसे चिपकाना है। अब दूसरी साइड पलट के दूसरी साइड भी ग्लू लगाएंगे। अब पीला पार्ट को चिपका देंगे उसके ऊपर इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके निकाल लेंगे। अब हम इस पेपर में नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर तक छोड़ के, जो नीचे वाला पार्ट है 1 सेंटीमीटर छोड़ के इसे कट करेंगे। जो पीला पार्ट है वो ऊपर रहेगा। पतला पतला कट लगाना है इस तरह से। ये कट हो गया। हम नीचे की साइड ग्लू लगा लेंगे और डंडी पे ऐसे चिपका लेंगे।
इस तरह से ये चिपक गया। अब ऊपर का पार्ट को थोड़ा थोड़ा फैला लेंगे। अब ये फ्लावर सूख चुका है, अब इसको पेन या पेंसिल किसी से भी इसे पीछे की तरफ थोड़ा फोल्ड करना है हमें। इसमें ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ रोल करना है, ऐसे सारी पंखुड़ी को रोल कर लेंगे नीचे की तरफ ताकि फोल्ड हो जाए। इस तरह से फोल्ड हो गए और जो नीचे का कोना दिख रहा है उसमें एक हल्का सा कट लगाना है, एकदम छोटा सा। अब डंडी को ऊपर से नीचे की तरफ निकाल लेंगे ऐसे। इस तरह से हो गया। अब पत्ती के निचले पार्ट पे थोड़ा ग्लू लगा के पत्ती को डंडी पे चिपका लेंगे और ऐसे ही दूसरी पत्ती को भी चिपका लेंगे। तो आपको ये लिली कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये मेरी लिली बनके रेडी हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।